जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा बृहद क्षेत्र है जहाँ पे घुसने के और निकलने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। तो एडीएम साहब के साथ हम लोग आए थे, मेरी टीम आई थी, तो एक रास्ते पे एडीएम साहब वगैरह खड़े हो गए और जो भागने की आशंका थी, तो उस रास्ते पे हम और एडीएम साहब के लीडर दो लोग जाके खड़े हो गए। तो अंधेरे, चूँकि अंधेरा का देखने आप देख नहीं पा रहा आदमी थोड़ी दूर तक, तो अंधेरे से बिना नंबर के एक डम्फर और एक जेसीबी काफ़ी स्पीड से निकल रहे थे। रास्ते में हम लोग खड़े थे, रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिस रफ्तार से वो लोग आ रहे थे, ये मंशा थी कि चढ़ा के निकल जाएंगे। और उस कार्रवाई को अपन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बट उस घटना से थोड़ा सा दुर्घटना हो सकती थी हमारे साथ, लेकिन ईश्वर कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। तो खड़े हैं ये उज्जैन में सोमवती कुंड के आगे, जो हाँ जी, साईं बिल्कुल, रंजीत हनुमान रोड है, साईं मंदिर के पास का स्थान है ये। मैं मुख्य रोड से लगभग 250 से 300 मीटर भीतर स्थान स्थित है। यहाँ पे हम लोगों ने आज दबिश दी थी, जिसमें पुलिस बल उपलब्ध है, माइनिंग इंस्पेक्टर है, और हम लोगों ने यहाँ पे आके आज जो कार्रवाई करी उसमें ये देखा है कि नदी से लोग यहाँ पे मशीन के जरिए रेत खींचते हैं और उसको फिर धो के, वहीं धो के और फिर उसको ट्रैक्टरों में भर के, डंपरों में भर के भेजते हैं। इस तरह की अवैध कार्रवाई आज यहाँ की जा रही थी, जिसमें हमें दो रेत के ट्रैक्टर, एक खाली डंपर और एक जेसीबी हम लोगों ने यहाँ पे जब्त की है। साथ ही एक डंपर और एक जेसीबी, जैसा आपने बताया है, वो एकदम तेजी से भागा था, जिसमें जो माइनिंग इंस्पेक्टर है वो थोड़ा बिल्कुल सा बचे भी थे। उसके बाद में पुलिस ने उसकी पीछा भी किया, लेकिन चूंकि यहाँ पे अंधेरा है और खूब सारे छोटे छोटे स्थान है और नदी किनारे का आसपास का है, तो वो हम जेसीबी वगैरह कहीं ओझल हो गई है, उसका हम लोग और पुलिस का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये लेकिन सामान भी मिला है यहाँ से सब जब्त किया। इसके अलावा यहाँ पे जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ जो मशीन खींचने के जो यंत्र वगैरह है, जिसमें पाइप है और कुछ ठिए बना रखे हैं, कुछ छन्ने हैं, इसके अलावा कुछ डीजल भी हमें यहाँ पे बरामद हुआ, जिसके माध्यम से जो उनका जो भी संयंत्र था या जो भी उनकी मशीन थी वो चलती थी, तो इस तरह की चीज़ें बरामद की है। अभी हम लोग इसको जो छन्ना और जो मशीन है उसको जेसीबी के माध्यम से हम यहाँ पे उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई करेंगे। हालांकि रात है, लेकिन फिर हम इसको कार्रवाई को करेंगे। सर अभी लाइट भी जला रहे थे। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से चूंकि लीगल यहाँ पे माइनिंग हो रही है, तो कुछ लीगल एक्टिविटी और भी पाई गई है। अब इसको हम सुबह इसको देखेंगे, सर क्योंकि अभी किसका काफ़ी है रात हो ये, रही है। खेत मालिक का क्या कहना है? इस बारे में कुछ कहना भी संभव नहीं है कि किसका है, क्योंकि अभी जो कर रहे थे इलीगल माइनिंग वो भाग चुके हैं। लेकिन ये अगर जमीन निजी होगी तो हम कल सुबह इसकी विधिवत जांच करवाएंगे, और जांच करा के जो भी त्रुटि करता है उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे।